हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप लोग को बता दूं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से इंदौर से सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही एग्जाम से रिलेटेड। आप लोग को बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया आज ही के डेट में, 17 जनवरी 2022 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए भी सबसे बड़ी न्यूज़ है कि वह कैसे भाग ले सकते हैं इस एग्जाम में, या उनको दोबारा मौका दिएगा। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों तक यह पहुंच सके, क्योंकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एक क्रमांक है ये आज ही के डेट में जारी की गई है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा। परीक्षा क्रमांक आप लोग सन 2009-13 नोटिस नंबर है। प्रति प्राचार्य सा समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय इंदौर संभाग इंदौर से। विषय क्या है? विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित माह जनवरी और फरवरी 2022 परीक्षाओं में COVID-19 के संकट के चलते परीक्षाओं केंद्र एवं परीक्षाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश यह जारी किया गया है। क्या दिशा निर्देश जारी किया गया, आइए जानते हैं। आप लोग को बताओ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर माह जनवरी फरवरी 2022 में संचालित COVID-19 के संकट चलते होने वाली परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक परीक्षा समान एक आप लोग का क्रमांक दिया गया है दिनांक 13 जनवरी 2022 के द्वारा जारी किए गए निर्देश किए गए थे। उपरोक्त दिशा निर्देश को शामिल किया गया है। आप लोग को बता दूं, जो COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश शामिल किए गए थे, आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 जनवरी को उसको भी इसमें इस नोटिस में शामिल किया गया है। साथ ही साथ आप लोग को जो पॉइंट है, आप लोग को जानकारी के लिए, जो विद्यार्थी COVID-19 संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, सबसे बड़ी न्यूज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो विद्यार्थी COVID-19 संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, अथवा जो विद्यार्थी COVID-19 संक्रमण की वजह से अपने शहर यानी निवास स्थान से परीक्षा केंद्र जाने के में असमर्थ है, उनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से परीक्षा आयोजन की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो विद्यार्थी एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच पा रहे हैं COVID-19 संक्रमण की वजह से, यानी उनके संक्रमण वो संक्रमित हो गए हैं किसी वजह से, वो परीक्षा सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या दूसरे स्टेट से यानी दूसरे राज्य से भी आ रहे हैं पेपर देने, तो वो संक्रमित है, तो उनको से पृथक अलग से परीक्षा उनकी ली जाएगी। कैसे ली जाएगी, आइए जानते हैं। उपरोक्त व्यवस्था सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए लागू होगी, जो ये व्यवस्था लागू की जाएगी, अलग से परीक्षा लिया जाएगा उनके लिए है लागू होगी, जो विद्यार्थी परीक्षा काल के दौरान, जो अभी डेट लागू यानी जारी की गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा 13 जनवरी को जो नोटिस जारी की गई थी, कल से एग्जाम होने वाला है, उपरोक्त सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लागू होगी जो विद्यार्थी परीक्षा काल के दौरान COVID-19 संक्रमण होने का प्रमाण पत्र अपने महाविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे, शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। यानी विश्वविद्यालय के द्वारा ये बोला जा रहा है, जो लोग COVID-19 संक्रमण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे उन्हीं का दोबारा एग्जाम लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। आप लोग इस न्यूज़ से यानी यूनिवर्सिटी के इस ऑफिशियल नोटिस से क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आप लोग को इस चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाता है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ही की नोटिस है, आप लोग DAVV के ऑफिशियल साइट पर भी इन नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या आप लोग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एस एकेडमी की, आप लोग वहां से भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप लोग को यह डाल दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।